देश विदेश में बैठ के डी डी पंजाबी देख रहे दर्शकों का निघे दिल नाल स्वागत है। प्यारे दर्शको, इस मंच के उत्ते हमेशा कोई ना कोई नवी और वक्री गल लैके उन्हूं चर्चा का विषय बनाने हैं। जिवें तुसीं सब जानते हो कि आदि मानव तो लैके आधुनिक मनुख तक एक लंबा इतिहास है और मनुख ने अजिहा इतिहास सिरजिया है विज्ञान के नाल बहुत सारिया अजिहियां काढ़ां कढ़ियां जिहदे नाल जीवन नूं बहुत सुखाला बना दिता गया है। पर विकास की इस डगर उत्ते चलदिआं सानूं पता ही नहीं लग्या कि यह विकास दीआं काढ़ां साडे जीवन नूं जो सौखा बनाउण लई बनाईआं गईआं सन वह कदों साडे जीवन लई घातक बन गईआं, अशुभ लई साडी जीवन दे विच जहर घुलण लगा और यह जहर इस हद तक घुल गया कि साडीआं जिहड़ीआं मौके दीआं सरकारां ने उन्हां नूं इहदे उत्ते पाबंदी लाउण वास्ते कानून बनाउण दी नौबत आ गई। तुसीं जिवें जाणदे हो कि 12 अगस्त 2021 नूं इक अजिहा नोटिफिकेशन सरकार वल्लों कीता गया सी लगभग एक साल पहलां जिहदे विच सिंगल यूज प्लास्टिक दे उत्ते पाबंदी लगाई गई सी और इस नूं 1 जुलाई 2022 तो लागू कर दिता गया है। और असी ये समझांगे अज दी गल दे विच इस गल दे उत्ते चर्चा करांगे कि सिंगल यूज प्लास्टिक है की है, इसकी दुरवरतों किवें हो रही है और इसनों किवें रोकया जा सकता है ता जो जिहड़ा मनुखता दा जीवन है उसनों असी सुखाला बना सकीए, चंगा बना सकीए और जिहड़ा साडे देश दा भविख है उसनों होर सुनहरा कर सकीए। ये सिंगल यूज प्लास्टिक ते पाबंदी एक चर्चा दे विच भाग लैण वास्ते दो मेहमान बुलाए ने। मेरे बिल्कुल नाल बैठे ने डॉक्टर आदर्शपाल विग जी, जिहड़े कि चेयरमैन पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड वजों सेवावां दे रहे हैं और इन्हां दे नाल ही श्री अमित शर्मा जी, रेजिडेंट एडिटर दैनिक जागरण चंडीगढ़ ते पंजाब खेत्र दे विच इन्हां दा काम है। इन्हां दे नाल दोनों मेहमानों नूं जी आया कहिंदा होया प्रोग्राम नूं शुरू करदा जी। जिथे इन्हां दे तजर्बे की गल आपां करांगे उत्थे नाल दी नाल खेत्र दे विच विचर के साडियां टीमां ने भी थोड़ा जिहा लोकां दे विचारां नूं जानण की कोशिश की है, वह भी तुहाडे तक लैके आवांगे। तद तक असीं प्रोग्राम नूं शुरू करदे हां। डॉक्टर साहब, सब तो पहला क्वेश्चन मेरा यह है कि जिवें 2016 दे विच अज तो लगभग 6 साल पहला पंजाब ने एक जिहड़ा कानून पास किया गया सी वो पॉलीथीन बैग्स बारे और 6 साल तक जिन्ना काम किया गया उस तो असी बहुत ज़्यादा एक आम नागरिक हो जो मैं बहुता खुश नहीं हाँ। जिहड़ा नवा कानून पास किया गया इहदे लई तुसीं किन्ने कु आसवंद हो? बिल्कुल जी, इस विच खास तौर पर आसवंद है क्योंकि ये एक भारत दे पूरे देश दे स्तर दे उत्ते हो रहा है, कल्ले स्टेट वालों नहीं हो रहा। जिहड़ी तुसीं 2016 की गल की है वो पंजाब ने अपने लैवल ते स्ट्रिंजेंट रूल, सख्त रूल बनाए सी भी कैरी बैग्स बंद हो जाण और वो रूल भी एग्जिस्ट करता है और ये मौका भी अच्छा है भी जे असी सिलेक्टेड सिंगल यूज प्लास्टिक बैन कर रहे हैं तो उस तो पहले जिहड़ा कैरी बैग प्लास्टिक का बैन चलता पिया उन्नू भी इफेक्टिवली असी कर सकीए और ये उपराला स्टेट वालों शुरू है। ये तां सफल होने वाला सिंगल यूज प्लास्टिक भी इहदे अंदर एक भारत सरकार का अच्छा उपराला भी बजाए सारे प्लास्टिक नूं एकदम बंद करन दे, उन्होंने ये देखिया भी जिहड़ियां साडियां रोज दियां वरतों च आ रही हैं उन्होंने असी यूज एंड थ्रो सुट देने चीज़ों नूं प्लास्टिक दियां पर वो कोई बहुता साडे जीवन नूं प्रभावित इस तरह नहीं कर दियां, उन्हां तों बिना भी साडा छेती गुजारा हो सकता है। सो लिमिटेड आइटम्स उहदे च डिफाइंड ने वो छेती असी छड़ सकते हैं। सो एक अच्छा हुंगारा है और ऑल जिहड़ियां 23 दी 23 स्टेट्स है उन्होंने बंद है इस पिछे वो भी नहीं रहेगा जी फलानी स्टेट बंद है इस स्टेट नहीं बंद है। सो मैनू लगता है भी और लोगों को ये जानकारी भी है भी ये साड़ी सेहत वास्ते जिवें तुसीं दस्सिया वातावरण वास्ते किन्ना खराब है तो मैं लगता सारिआं दी जदों एक मन दे विच गल आ जाएगी भी से नो टू सिंगल यूज प्लास्टिक तो इहदा इफेक्ट साडे सामने तुहानूं लगता है कि इस मामले च हुण काम होण वाला है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अमित जी, मैं तुहानूं जानना चाहुंदा क्योंकि जिहड़ा साडा विशा है वह सिंगल यूज प्लास्टिक जी तो ये कॉन्सैप्ट लोगों के दिमाग तक बच्चे बच्चे के दिमाग तक पहुँचना चाहिए की है सिंगल यूज प्लास्टिक? बिल्कुल, देखो जी जिस तरह पहले प्लास्टिक की बैन की गल हुई होनी कि बैन से उतों तक एक प्लास्टिक के लिफाफिया तक सीमित लोग समझते सन जी बिल्कुल, लेकिन ये जरा सिंगल यूज प्लास्टिक है ये जिस तरह विक साहब ने कहा कि बहुत ही ज़्यादा मतलब जरूरत सीगी क्योंकि पिछले बैन नो उन्हों सप्लीमेंट करेगा एक तरह का उदी बड़ी प्रौढ़ता होएगी उदा वजह क्योंकि इस दे विच एदर दीयां चीज़ां हुण जिहड़ियां लोगों नू ये जागरूक करना पएगा। मैं ये समझदा कि मीडिया की पोल्यूशन डिपार्टमेंट की एजेंसियां सरकारी जिन्हें भी वो लोगों नू अवेयर करना पएगा हुण जे आपां जिस तरह एक बैनर बनाया पोल्यूशन बोर्ड ने इहदे विच लिखिया है कि जिहड़ियां चीज़ां बैन हुई आम बंदे नू ये पता ही नहीं होएगा कि जिहड़ियां वो कन्न खुजांदे आ अपना ईयरबड लैंदे आ मार्केट तों बड़ी कंपनी दी उहदी जिहड़ी डंडी हुंदी आ ओह सिंगल यूज प्लास्टिक है। सिंगल यूज
प्लास्टिक मतलब हो गया कि जेड़ा तुसी एक बार यूज कर लिया और उस तो बाद सुट्टा, जिदा शैंपू दे पैक, शैंपू दे बोतलां होंदियां, टूथब्रश दे जिहड़े डब्बे होंदे आ, उन्हां सारें च प्लास्टिक है, जिहड़ा टूथब्रश आंदा है, मोटे तौर ते छोटियां छोटियां चीजां जिहड़ियां जी यूज एंड थ्रो, जिहड़ी चीज असीं वरती और सुट दित्ती उस नूं असीं दोबारा यूज नहीं करदे, असीं सिंगल यूज मतलब एक बार जिहड़ा वरतो हो गई उस तो बाद उन्हां सुट्टा, ओह चीज है। इह लोकां नूं दसणा पएगा डाक्टर साहब, जिवें आम तौर ते इक कहावत है, इक फिलोसफर दा कहना है कि कानून बनाए ही तोड़न लई जांदे आ, जिहड़ा मैं पहलां जिक्र कीता सी 2016 दा, और उस मामले दे क्योंकि काम बहुत ज़्यादा नहीं किया गया, हुण भी तुहाडे कोल एक साल का समा सी, किन्नी तैयारी की और की काम किया इसनूं लागू करने वास्ते? उहदे अंदर जिहड़ी मिनिस्ट्री है और सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड है, उहदे अंदर उन्होंने रूल्स रेगुलेशन डिफाइन किए ने, इहदे च कल्ला पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड नहीं, सरकारी विभाग जिहड़ा लोकल गवर्नमेंट है जी, वो लोकल डिपार्टमेंट्स नूं देखेगा, शहरी विभागों नूं देखेगा, रूरल वाले रूरल नूं देखेंगे, जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है डीसी है उन्हां दी रूल्स उन्हां दी ड्यूटीज डिफाइंड ने, और कारपोरेशन दी ड्यूटीज डिफाइंड ने, सो ये रल मिल के काफ़ी डिपार्टमेंट हैं, क्योंकि इहदे अंदर मैनुफैक्चरिंग, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन और इहदी सेल और ये सारा बंद है, ईवन जिहड़ियां ई कंपनीज जिन्हां नूं असीं कहिंदे आ जिहड़ियां अजकल ऑनलाइन मार्केटिंग है, उन्हां नूं भी इंस्ट्रक्शन है भी वह इन्हां चीज़ां 'च नहीं करनगे, सो सारी तैयारी चल रही है इहदे नाल। ते होर ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਐਪ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਸ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਪ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਲੈਟੀਚਿਊਡ ਲੌਂਗੀਚਿਊਡ ਨਾਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਲਾਣਾ ਪਕੜਿਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ, ਡਿਜੀਟਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਅਮਨ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਕੱਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਫੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਵਿਭਾਗ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਪੈਗੀ, ਇੱਕ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣੀ ਪੈਗੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਗੱਲ ਲਾਈਨ ਕਹੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ, ਹਰ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਈਵਨ ਜਿਹੜਾ ਈ ਪੀ ਆਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਉਸ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਣਾ ਹੈ ਔਰ ਚੱਕ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖਣੇ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੈਲਫ ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੈਲਫ ਡਿਕਲਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਰਫ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਝੂਠ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਦਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਚਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨਾ ਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਟੀ ਹੈ, ਨਿਯਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ, ਈ ਪੀ ਆਰ ਲਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੇ ਲਾਅ ਦੇ ਅੰਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਲਾਸਟਿਕ ਚੱਕਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ। ਹੁਣ ਰਹੀ ਗੱਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਬੈਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬੈਨ, ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਮਾਡਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ, ਇੱਕ ਸਵੀਡਨ ਦਾ ਮਾਡਲ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਸਵੀਡਨ ਗਿਆ, ਸਵੀਡਨ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਬਣੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਵੀਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਕੋਈ ਬੈਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਵੀਡਨ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੋਂ 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਪਲਾਸਟਿਕ ਫਰੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਉਹ ਲਾਤਾ ਆਪਣਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪਲਾਂਟਸ ਇੰਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਰਤੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਕਰਤੀ, ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਨਾਰਵੀਅਨ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੀ ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਇਰਲੈਂਡ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਆਇਰਲੈਂਡ ਨੇ ਬੈਨ ਲਾਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਲਾਅ ਦਾ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੈਕਸ ਲਾਤਾ ਉਹਦੇ 'ਤੇ, ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਕਰਤੀ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ 16 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿ 16 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ 94% ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਯੂਜਸ ਸੀ ਉਹ ਘੱਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਕਾਨੂੰਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਐਕਟ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 2 ਚਲਾਨ ਹੁੰਦਾ, 200 ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਦੇਣਾਂਗੇ ਕੋਈ। ਸਖਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਬਦਲ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਬਦਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਕੈਰੀ ਬੈਗ ਬਣਾਏ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਚੱਕਣਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਨ ਸਮਝਣ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਬਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਘੱਟ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੋਣਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਖਤੀ ਦੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਅਜੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਰਨੀ ਸੀ ਗੱਲ, ਪਰ ਅਮਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਖਤੀ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਰੂਲਸ 2016 ਆਲਰੇਡੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਐਕਸਟੈਂਡਡ ਫਾਰਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ
नॉर्मली हले प्लास्टिक कैरी बैग्स बारे फाइन है भी किन्नी क्वांटिटी को मिली, सपोज 2000 तो लैके 20000 तक जिन्नी क्वांटिटी मिली, इस तरह के रूल्स ने। उस तो बाद जो वेस्ट मैनेजमेंट के रूल्स के उत्ते इनवायरमेंटल कंपनसेशन है वो पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को या बाकी बोर्ड्स को पावर होंगी है भी जे उहदी नॉन कंप्लायंस वो बार बार कर रहा या वो फैक्ट्री वो मैनुफैक्चर नहीं कर सकता तो वो जी फाइन है लखां च भी जा सकता है। अच्छा। उस तो बावजूद जो बंद नहीं कर रहा उन्होंने शो काज नोटिस वगैरह होंगे ने फिर वो लीगल प्रोसीजर भी चल सकता है। बिल्कुल जी, सजावां निर्धारित कर दित्तियां गईयां जे जरूरत पैंदी है। वैसे साडे लोग बड़े समझदार है, उत्थों तक पहुंचना नहीं चाहिए सानू, पर अवेयरनैस की कमी है। जिमें कल का दिन जो लंघ के गया 3 जुलाई का, यह इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री डे है और पूरे संसार दे विच दिवस मनाया जाता है। कि तुसी लगदा तो उन्हों के अपने लोगों इस बारे पता है, जां ईवन तुहाडे डिपार्टमेंट ने इस मामले कोई काम किया कि 3 जुलाई नूं असी प्लास्टिक बैग फ्री डे बनाना? असी तो 3 की वेट ही नहीं की सी, 1 जुलाई नूं जिहड़े साडे डिफरेंट ऑफिसर्स ने अलग अलग 12-16 जगह ते रीजनल ऑफिसर ने जोनल ऑफिस ने उन्होंने जिहड़ियां प्लास्टिक मैनुफैक्चरिंग एसोसीएशनस है उन्होंने मीटिंग कर ली। अच्छा। जिहड़े कमिश्नर्स ने डीसीज ने उन्होंने प्रेजेंस जो मीटिंग हो गई उन्होंने ये बारे क्लीयर करता। अज तो महीना पहले उन्होंने ये कहा भी स्टॉक सारा खत्म कर लो और नॉर्मल अवेयरनैस वास्ते मार्केट के साडे ऑफिसर रादर मैं खुद 1 जुलाई में पटियाले के शहरों घूमिया और जाके असी थैले साडे बने ने बोर्ड बना के वंड रहे। इस तरह बड़िया NGOs ने जिहड़ियां वंड रही हैं, जिवें सख्ती भी कर रहा सी। मैं अज तो लगभग 15-20 साल पहले नैनीताल गया सी और उस वेले भी मैनूं याद है कि एक पॉलीथीन का लिफाफा मंगन के बावजूद भी नहीं मिलता सी। रिसेंटली मैं कर्नाटका जाके आया 4 दिन पहला और उत्थे भी कोई पॉलीथीन ना की कोई चीज़ नहीं हैगी। असी पछड़े भी हुए हैं कि इहदे विच किते ना किते भ्रष्टाचार जां किते साडी नेक नीति दे विच घाट तां नहीं नज़र आउंदी तुहानूं? देखो, नेक नीति भ्रष्टाचार ये तो एक समाजिक जड़े बुराइयां है और ये हर वक्त हर जगह आ रही हैं, पर जिहड़ी तुसीं पहले गल की विकल्प की आपां कर्नाटक की गल उधर दूर की करिए, हिमाचल देख लो, हिमाचल च होया, हिमाचल च उन्होंने रद्दी का जिहड़े सिगे बना के लिफाफे कागज़ के किए। अज तुहानूं सब्जी की एक रेहड़ी पर भी जो प्याज भी लेना तो तुहानूं प्लास्टिक का लिफाफा नहीं मिलता, वह मिलता। ये जिहड़ा विकल्प है ना, विकल्प देना बहुत जरूरी है और विकल्प वास्ते सानूं मैनूं लगता कि हर बंदे नूं ईवन एजेंसीज नूं ये सोचना पैना कि उहदा हल कित्थे है, अतीत च है, किस चीज़ ने प्लास्टिक नूं अडोप्ट किया, उस तो पहले की हुंदा सी, उही चीज़ अडोप्ट कर ली जाए हल आ जाएगा। जिहड़ी गल असीं पहलां कीती सी कि विकल्प दे नाल नाल सानूं सुचेत होना पएगा, सानूं अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझनी पएगी कि साडी वजह करके की नुकसान हो रहा। अगली गलबात तो पहलां असीं उह कुझ इक दृश्य जिहड़े आ तुहानूं दिखाउणे चाहांगे। सरकार ने जिहड़ा फैसला लिया, फैसला तो वधिया पर उहदा जिहड़ा अल्टरनेट कोई ना कोई लभना चाहीदा कि जिहदे नाल इह संबंधित कारोबार नाल लोकी जुड़े है उस चीज़ दे विच उहनां दा काफ़ी भारी नुकसान हो रहा, क्योंकि जिहड़ा उहनां कोल स्टॉक पिया है जिहड़े परिवार उस तो पलते पे है उन्होंने स्टॉक जहाँ तो सरकार को चाहिए वो खरीद लैन, जो अगों उन्होंने कोई ऑप्शन देन कोई होर काम की, जेडे इस कारोबार में जुड़े आ फैक्ट्रिया वाले आ दुकानदार आ उन्होंने तो सारा सिस्टम खराब हो गया ना एकदम ही। पंजाब सरकार को चाहिए कि उन्होंने कोई सफिशेंट हल लभ के जोड़ा है लिफाफे चलो बंद किए वधिया गल आ, पर सवाल है कि इस गल के नाल जो लोग जुड़े आ उन्होंने भी सोचना चाहिए सरकार। फैक्ट्री के बारे में जिहड़ा लिफाफा और थर्माकोल की जिहड़ियां चीज़ां है सरकार ने बिल्कुल बंद कीतियां, मैं सरकार नूं बहुत इहदा धन्नवाद करदा हां, लेकिन इहदा जिहड़ा एक्शन आ सरकार नूं लैणा चाहीदा आ कि इह नहीं है कि 15 दिन बाद जिद्दां सरकारां दा पता लगदा कि पैसे लैके फिर कंपनियों को लैके फिर चालू किया जाता है जां इहदी सख्ताई कीती है तो सरकार नूं चाहीदा इहदी सख्ताई करनी। और मैं सरकार नूं बेनती करदा है कि जिद्दां कि अपना दुध दा काम है आपां वी दिंदे आ लिफाफे जां दुध दे काम तों इलावा वेरका अमूल का आइंदा है, नैस्ले का आइंदा है, कोई कोका कोला दी बोतल आ जांदियां, ये बिल्कुल कंपनियां दी भी सख्ताई करके बंद किया जाए, क्योंकि हर बंदा गरीब वर्ग का बंदा जिहड़ा रेहड़ी तबके वाला हर कोई चीज़ पा के दिंदा है, लेकिन उन्हूं ना देखा जाए, ये उत्तों कंपनियां भी सारियां बंद कीतियां जाए, इहदे नाल साडा जिहड़ा शरीर आ ये कैंसर तो बच सकदा आ, ये कैंसर की बीमारी आ, बिल्कुल सरकार नूं इहदे उत्ते ठोस एक्शन लैके इहनूं बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। सरकार ने एक कोलों तो सही है क्योंकि ये लिफाफा है जिसलिए सीवरेज नालियाँ दे चले जाता ना ये सारे सीवरेज ब्लॉक करके रख देता, ये ना ये गलदा पानी दे जाके सीवरेज दे विच ते ना ये सड़दा दे जाके ये सारिया सीवरेज ब्लॉक कर देता, उहदे करके सब तो ज़्यादा सीवरेज बंद होने का कारण ही यो है। नहीं फैसला तो सही है, ये तो थोड़ा लोगों को अपने आप जागरूक होना चाहिए है
चलो जो कोई चल रहा वा तो थोड़ा बहुत घट नहीं बैठ करो घरों तुम समान लैन जा रहे हो घरों अपना थैला लैके जाओ वो समान पैक करके लियाओ ताकि ये लफावा लभन की भी जरूरत ना पवे समान भी थोड़ा अपने घर आ जाए आराम नाल ये जरूरी चीज़ है सेफ सेफ रहेगा बंदा भी और पर्यावरण का भी ये फर्क पेगा फिर लोग कई प्लास्टिक जला देंगे ने जे जला देने धुआं बड़ा होंगे और बड़ा गंदा धुआं है बड़ी बदबू आती है। स्टूडियो एक बार फिर तो स्वागत है। जिवें साडे दर्शकों के विचार सुन रहे सी कि सानू अपनी नैतिक जिम्मेवारी भी देखनी पएगी और सरकार नू भी इस मामले दे विच काफ़ी ज़्यादा काम करने की लोड़ पएगी क्योंकि असी इस चीज़ के यूज टू हो चुके हैं आदि हो चुके हैं इस तो हटना वो काफ़ी औखा होएगा और सरकार नू इस मामले काफ़ी काम करना पएगा। विक साहब मैं पूछना चाहुंदा सी तुहाडे कोल कि किसी भी गल नू लागू करन वास्ते मैन पावर की बहुत लोड़ हुंदी है जे असी चैक करन की गल करदे हां तो मैन पावर चाहिए हर डिपार्टमेंट च इंपलाइज की घाट है किवें मैनेज करोगे इस सारे कुछ नू कि किवें चैक होएगा थां थां ते जाके डीसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर किवें करोगे। मैं पहले दस्या भी पंजाब पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कोल एक्शन लैन की उन्होंने इनवायरमेंटल कंपनसेशन लाने की और लीगल प्रोसीजर करने की पावर है। उस तो अलावा जो लोकल गवर्नमेंट है वो शहरी जोड़े विभाग है उन्होंने नाल मिलकर और जो रूरल डिपार्टमेंट है पंचायत डिपार्टमेंट है वो शहर तो बहर वाले एरिया जाके चैक करेंगे और उन्होंने इनफ स्टाफ है उन्होंने को डिप्टी कमिश्नर इस मोनीटर करेंगे और पुलिस की भी हैल्प ली जाएगी। सो ये सारी सरकार के अलग अलग विभाग मिलकर जो चलन तो मैनुफैक्चरिंग तो लैके स्टोरेज तो लैके सेल तक यह सारी आराम नाल चैक हो जाएगी और ये छेती वह इफेक्ट सानू नज़र न आएगा। जिवें अमित जी ने भी गल की भी बाकी लोगों भी जागृत होकर और मैं बड़ा अच्छा लगा जिन्हें लोगों ने बोलिया और खुद मनते ने। मैं तो कई बार कहना भी ये कोई कानून बने अच्छी गल है पर ना भी बने तो तुहाडी सेहत तुहाडा वातावरण ये प्लास्टिक खराब कर रहा है ये अच्छी गल है भी जी असी छेती तो छेती जिन्ना ये तो बचा कर लाँगे अपने पंजाब नू अपने वातावरण नू अपने आने वाली जनरेशन नू बचा के रखा। जिवें साडे दर्शक जानते हो गए कि लगभग 150 मिलियन टन जिहड़ा है प्लास्टिक का गारबेज है वह साडे ओशियनज़ दे विच साडे समुंदरां दे विच पानी की सतह के उत्ते पिया है और वो जिहड़ा साडी मैरन लाइफ है यानी जल जीवों का जीवन है उन्हूं भी अस्त व्यस्त कर दिता होया। धरती उत्ते तां प्रदूषण पैदा हो ही रहा हवा धरती हर चीज़ गंदली हो रही है वो नाल नाल जिहड़ा जल जीवन है वह भी प्रभावित हो रहा। सानू ये अपनी नैतिक जिम्मेवारी समझदा हां वापस मुड़ना पएगा। अमित जी पैकिंग मटीरियल की बहुत ज़्यादा वरतों होंगी है जिदा सानू हाल की घड़ी कोई जल्दी जल्दी बदल नहीं लगता जिवें दुध के पैकेट की गल हुण साडे दर्शक भी कर रहे थे और स्नैक्स है चिप्स ने अल्टरनेटिव है बिल्कुल है जी। मैं थोड़ा क्या इसका हल जड़ा है वह सानू अतीत किस अज तो पहले कुछ साल पहले प्लास्टिक नहीं सी तुसी दुध की थैलिया की गल की मैं अपने बचपन में रिकॉल करता थोड़ी गल तो मैंने याद आया वेरका का ही दुध हुंदा सी लेकिन वह कच दियां बोतलां हुंदियां सी लीटर लीटर दियां असीं लैण जांदे सी तो थैले च प्लास्टिक का अपना कपड़े का थैला हुंदा सी और चक के लिया बोतल नाल लिया कदों प्लास्टिक आ गया और इन्ना आसानी नाल बन गया। सो जिहड़ा तुहानू हल लभना मैं उही कहिंदा सानू दोबारा एक जिहनू कहिंदे ना रिवर्स बैकग्राउंड पिछे जाना पैना कि वह किहड़ी ऐसी चीज़ सीगी जिन्हें रिप्लेस किया सानू उहनू उह दोबारा असीं उस ते जा सकदे हां कोई बड़ी मुश्किल नहीं है और बहुत आसान काम है कोई वो नहीं है। रही गल जिहड़ी उसदी कि अज की डेट से जो सिंगल यूज प्लास्टिक इंडिया मेरे ख्याल से मैं अंकड़ा देख रहा 633 यूनिट्स ने जो साड़ी जी मार्केट है लॉ की गल हुई कानून बनाने की नौबत ही ना आए क्योंकि जिदा उन्होंने कहा कि कंपनियां उन्होंने रोकया जाए हूँ जो विकल्प लभनगे सरकार उन्होंने कंपनसेट कर दें बहुत पॉलिसीज होंगे जे असी साड़ी जी मार्केट है डिमांड साडा देश डिमांड सप्लाई से चल रही बहुत चीज़ा जे डिमांड ही खत्म हो गई डिमांड खत्म हो गई तो कंपनियां अपने आप सोचनगियां जे असी विकल्प लभ लिया कि मैं विआह च या अपने घर के फंक्शन जन्मदिन से मैं प्लास्टिक रखना ही नहीं मैं थर्मोकोल वरतना ही नहीं थर्मोकोल मार्केट चो 100 परिवारों ने चकना शुरू करता बंद करता तो उस गली च बेचता है वह सोचूगा यार मैं प्लास्टिक रखना ही नहीं बिल्कुल। सो यह सानू उस तह च जाना पैना पिछे दोनों चीजें जे एक पास असं कहने के यूज करना घट जाए तो एक पास प्रोडक्शन भी अगर वह बैन लग जाए तो दोनों चीजा साइमल्टेनियसली चलन गया तो ज्यादा वधिया रहेगा। विक साहब तुहाडे वल आना तो पूछना चाहना फूड चेन बारे फूड चेन बहुत ज्यादा प्रभावित करती है ये चीज़ वह किवें साडी शरीर के उत्ते भी और पूरी फूड चेन में किवें प्रभाव करता जा रहा है। मैं इस गल मेरी खास विशेष तौर पर लोगों को कह रहा मैं ता ही कह रहा भी कानून अपनी जगह तुहाडी सेहत तुहाडे कोल है जिन्ने सुंदर वधिया असी प्लास्टिक के डब्बियां चीज़ा मंगाने हैं खाने हैं पानी पीने हैं प्लास्टिक की बोतलों च दुध की गल की है और मैं कहना गर्म गर्म चीज़ा वे पा लग पे रसगुल्ले चाह ये वो
ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਨਾਨ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡੇਬਲ ਹੈ ਬਟ ਉਹ ਸਮਝੋ ਉਹ ਇੱਕ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੈਮੀਕਲਸ ਲੀਚ ਹੋ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਤਰ ਕੁਤਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥ 'ਚ ਜਲ ਜਾਂਦੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਹੇਗਾ ਪਦਾਰਥ ਜਿੰਨੀ ਹੀਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਉਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਬਿਸਫੀਨੋਲ ਏ ਬੀ ਪੀ ਏ ਡਾਇਓਕਸਿਨਸ ਥੈਲੇਟਸ ਔਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਪਲਾਸਟਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬਰੀਕ ਬਰੀਕ ਕਣ ਨਿਕਲ ਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਰੀਨ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹਾਰਮੋਨਲ ਡਿਸਟਰਪਟਰਸ ਨੇ ਹਾਰਮੋਨਸ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਇਨਫਰਟਿਲਿਟੀ ਕੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲਿਸਟਡ ਆਈਟਮਸ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਹੈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਾਲੇ ਥੈਲੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬੈਨ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ ਔਰ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਟ ਬਣਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥੈਲੇ ਬੈਗ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਜੂਟ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਔਰ ਕਟਲਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥਰਮੋਕੋਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦਿਓ ਔਰ ਪ੍ਰਣ ਕਰੋ ਵੀ ਮੇਰਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਮੇਰਾ ਜਗਰਾਤਾ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਂਡੇ ਵਰਤੀਏ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੱਤਲ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਰਤੀਏ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਕਾਪਰ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪੀਓ ਅਤੇ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬੈਕ ਟੂ ਨੇਚਰ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛੀ ਹੈ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬੈਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾਈਏ ਪੱਤਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਈਏ ਅਸੀਂ ਬਗਾਸ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਾਇਓਡੀਗ੍ਰੇਡਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾਈਏ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਮਟੀਰੀਅਲ ਬਣਾਈਏ ਧਾਗਾ ਹੈ ਬਾਂਸ ਹੈਗਾ ਲੱਕੜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਦਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੈ ਇਹ ਬਦਲ ਜਦੋਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੋਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਪੋਲੀਸਟੀਰੀਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਥਰਮੋਕੋਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਦਕਿ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜ ਹੈ ਉਹ 100 ਆਫ ਈਅਰਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਡੀਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਗਲਦੀ ਸੜਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਔਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਾਤਕ ਹੈ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵੀ ਕਰ ਲਈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਲਿਆ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਅਮਿਤ ਜੀ ਇੱਕ ਆਮ ਪੱਧਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਇੱਕ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰੇਹੜੀ 'ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਮਝ ਹੋਵੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅੱਜ ਹੈਡਲਾਈਨ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਫ ਲਈ ਥ੍ਰੈਟਨਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਥੇ 3-4 ਗਾਵਾਂ ਮਰੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਹੋਏ ਅੱਜ ਦੀ ਹੈਡਲਾਈਨ ਉਹ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਛਪੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋਂ ਗਾਵਾਂ ਤੇੜੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ 40 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚੋਂ ਪੋਲੀਥੀਨ ਨਿਕਲਿਆ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ 'ਚੋਂ 45 ਕਿਲੋ ਔਰ ਤੀਸਰੀ ਗਾਂ ਦੇ 50 ਕਿਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪੇੜੇ ਖਿਲਾਉਣ ਗੌਸ਼ਾਲਾ ਜਾਂਦੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਲੈ ਕੇ ਪਲਾਸਟਿਕ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਊ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ ਆ ਪੇੜਾ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਆ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁਣ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫ ਰਿਅਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ ਘੁੰਮ ਕੇ ਉਸੇ ਸਮਝਣੀ ਪੈਣੀ ਇਹ ਤਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਪੁਆਇੰਟ ਅਸੀਂ ਪਕੜ ਲਿਆ ਮੈਂ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਅਵੇਲੇਬਿਲਟੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਡਰਾਉਣਾ ਕਿਉਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰਲ ਕੇ ਸਾਰੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਰਲ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋਣ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹ ਪੋਲੀਥੀਨ ਦਾ ਬੈਗ ਲੈਣ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਆਲਟਰਨੇਟਿਵ ਦੇ ਕੇ ਘਰ ਭੇਜਣ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਬਾਕੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਸ ਨੇ ਐਨ ਜੀ ਓਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਥੈਲੇ ਵੰਡ ਰਹੇ ਨੇ ਥੈਲੇ ਫਰੀ ਆਫ ਕੋਸਟ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜੂਟ ਦੇ ਥੈਲੇ ਅਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਆਈ ਟੀ ਸੀ ਹੋਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਔਰ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੂਜੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਮੈਟਲ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੰਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਵਿਕ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਮਿਤ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਗੱਲ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਇੱਥੇ ਪਰ ਗੱਲ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਟਿਕਦੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲਈ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣ ਜਾਈਏ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਬਣੀਏ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਪੈਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਈਏ ਔਰ ਨੋ ਟੂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੂਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੋ ਟੂ ਸਿੰਗਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਜੂਸ ਕਰੀਏ ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੁਨਹਿਰਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੁਸ਼ਨੁਮਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਸ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਆਰਾਮ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਮਿਹਰਬਾਨੀ